14 जून को उस हादसे के पहले सुशांत के घर क्या हुआ था? क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा कदम उठाने से पहले रात 1 बजे अपने दोस्त और रूममेट सिद्धार्थ पिटानी से मिले? रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते के बारे में क्या जानते थे सिद्धार्थ पिटानी? इन सभी बातों पर से पर्दा सिद्धार्थ ने उठाया। रिपोर्टरली सुशांत के करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिटानी ने एक्टर संग अपनी बॉन्डिंग के बारे में बताया। इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ ने बताया कि आखिरी दिनों में सुशांत कैसे थे। सिद्धार्थ ने कहा, सुशांत के 150 ड्रीम्स पूरा करने के लिए उसके साथ मैं था। हम दोनों अपने किसी कॉमन फ्रेंड की वजह से मिले थे। हम साथ में पूजा करते थे, गिटार बजाते थे। सुशांत की वजह से मैं अध्यात्म से जुड़ पाया। आखिरी दिन यानी 14 जून का किस्सा शेयर करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, हादसे वाले दिन सुशांत रात 1 बजे मेरे कमरे में आया था और मुझसे पूछ रहा था क्या मैं जगा हुआ हूँ। मैं उसे रूम तक छोड़कर भी आया। अगले दिन जब मैं नीचे उतरा तो कुक ने कहा कि सुशांत का रूम बंद है। मेरे दो अन्य दोस्त दीपेश और केशव ने सुशांत को सुबह देखा था, इसलिए सुशांत के कमरे का बंद होना चकित कर देने वाला था और अंत में वो कमरे में मृत पाया गया। हमने सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कदम उठाएगा। रिया के साथ सुशांत के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, मुझे पता था कि रिया और सुशांत रिलेशनशिप में है। मैंने कभी सुशांत से इस बारे में ज्यादा पूछा नहीं। मैंने उन दोनों के रिश्ते की हमेशा रिस्पेक्ट की। सभी रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। रिया ने 8 जून को घर छोड़ा था। उसने मुझसे कहा था कि सुशांत का ख्याल रखना। रिया ने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए जा रही है। मैं सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के साथ भी टच में था, मगर सुशांत ने ही मुझे मना कर रखा था कि मैं उसके घर वालों से ना बात करूं। इन दिनों रिया से मेरी बात नहीं हुई है। पूछताछ के वक्त मैंने उसे पुलिस स्टेशन में देखा था। उन्होंने बताया कि उन्हें रिया चक्रवर्ती के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो रिया को नहीं जानते और न ही उन्होंने कभी उनसे कोई सवाल जवाब किए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ ने ये भी बताया कि जब वो सुशांत से मिले तब वो अपनी एक्स मैनेजर दिशा सालियन की मौत से परेशान थे। सुशांत को बार बार उस केस से जोड़ा जा रहा था और उनके लिए कुछ ब्लाइंड आइटम्स लिखे जा रहे थे जिससे वो परेशान हो रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ ने बताया है कि सुशांत के परिवार वाले उनके ऊपर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बना रहे हैं। वेल, आपने सुना सुशांत के करीबी दोस्त और उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिटानी की बात। सोशल मीडिया पर यूजर्स कई सवाल कर रहे हैं कि एक रूममेट होने के नाते कैसे सिद्धार्थ सुशांत के इतने करीब होकर भी उनसे दूर थे। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी तो क्यों सिद्धार्थ सुशांत के मन को समझ नहीं पाए? सवाल बहुत है, इस पर पुलिस जाँच करेगी। वैसे सिद्धार्थ की बातें सुनकर आपके मन में क्या सवाल उठे? पोस्ट करिए अपने रिएक्शंस।